तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्जिन की तरह। सुबह हो चुकी है, सुबह के बच्चों में दोस्तों 6, तो हमने दोस्तों अपने कबूतर सारे बाहर निकाल दिए खाना वाना खिलाने के लिए, और बच्चों की एक्टिविटी देखते हैं। आज छटा देना दोस्तों बच्चों को, 6 दिन में देखो कितने बड़े हो गए हैं और कितने क्या एक्टिविटी है बच्चों के भी। एक बच्चा सो रहा है ना, दूसरा बच्चा भी, दोनों छपक के सो रहे हैं। बहुत सुंदर बच्चे हैं दोनों, देख सकते हो अपना करीब से दिखा रहा हूँ दोस्तों। अभी एक बच्चा छोटा रह गया, देखो ये क्योंकि कबूतर ने लेट बच्चे दिए थे। एक अंडे में तो बच्चा लेट निकले था, एक में निकल गया था दूसरा जल्दी बच्चा। तो बच्चा देख सकते हो अपनी सुंदर सुंदर बच्चे हैं दोनों। तो अभी जैसे फसल फसल के चले सारे काम में कमी आ गई है कबूतर बच्चे के, देखता हूँ क्या कमी आ गई है। पंजे से चला नहीं जा, दवा रह गया था पंजा। देखिए दोस्तों कैसा अपना लेट कर कैसा उठा रहा दोस्तों। ये देखो लेट कर उठ गया। तो दोस्तों आज छठा दिन है, 6 दिन में देखो बच्चे के बाजू में पर भी निकले हैं धीरे धीरे, देख सकते हो। छठे दिन में बाजू में देखो कि पंख आ चुके हैं, और देखते देखते कबूतर हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। और 15 दिन बाद तो फिर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी बच्चों की दोस्तों। अभी तो फिलहाल मैं आपको बच्चे दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा अभी छोटा है, इसके भी ज़्यादा पंखों में निकलने को लेट निकलाते हैं। अंडे में से लेट निकला था। अभी एक अंडा और दिया था हमारी कबूतरी ने, पर अंडा दोस्तों बाहर रह गया था रात, पूरी रात घर से बाहर ही दे दिया था। बाहर मैंने आज खुले छोड़ दिए थे कबूतर सारे अंदर ही घर में, तो अभी निकाल के लाया हूँ घर से बाहर। तो पेटी वेटी रखी था हमने, और ये छोटी वाली कबूतरी हमारी घूम रही जिनके बच्चे हैं, इन सोचे बच्चे को निकाल लो। बच्चों को आ रहे हैं आपको कुछ बता देता हूँ, बच्चे दिखा देता हूँ दोस्तों। डेली बेस की एक्टिविटी बच्चों की, और डेली बेस का बच्चे कितने दिन में कितने बड़े हुए कितने बड़े नहीं हुए दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों बच्चों को। दोनों बच्चों को थोड़ा नीचे जमीन पर टहलाता हूँ, ये देखिए दोनों बच्चे दोस्तों ज़बरदस्त हो गए दोनों बच्चे। तो धीरे धीरे वो छोटे वाले ऐसे बड़े वाले गए, तो अभी थोड़ी थोड़ी छोटी तो ये छोटी पीछे छोटी निकली और इसकी भी छोटी निकली दोस्तों। छोटी वाली कबूतरी के बच्चे हैं तो दोनों की छोटी, अभी ज़रा ज़रा छोटी दिखेगी नहीं आपको। तो देखो ये आगे छोटी वाली कबूतरी घूम रही है, इधर आ सुंदरी, क्या जल्दी आ। ये देखो दोस्तों आगे सुंदरी बुलाने थे, ये देख एक बच्चे तेरे यहाँ घूम रहे हैं। ये देखो दोस्तों कैसे देख रहे सुंदरी अपने बच्चों को, देख सकते हो दोनों बच्चे अपना कितने बड़े हो गए हैं। छठा दिन है, छठे दिन में दोस्तों पंख भी निकले एक बच्चे के, तो पंख छुटा लिए पंखों से कुछ। देखो दूसरा भी आ गया, स्किन कबाब भी आ गया, तो हस्बैंड वाइफ दोनों दोस्तों। बच्चा भी एक हमारे कमज़ोर रह गया थोड़ा सा, एक दिन लेट निकला था अंडे में से। अरे कैसे बच्चे खा रहे हैं, कैसे काट रहे दोस्तों। अरे हमने तो पंख उखाड़ा हमारे कबूतर में, नया पंख उखाड़ दिया तो तुम्हारे मार मुझे लग बच्चे में बीच में निकाल दिया बच्चे के दोस्तों। क्या हो जाएगा ठीक, ये बच्चे साथ लगा रहा हूँ तो गुड़ करिए मानने के लिए दोस्तों। देख रहे हो सभी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं दोस्तों, देखो सभी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। मक्खी भी नहीं बैठने दे रही बच्चों के ऊपर दोस्तों, देख सकते हो। तो हमने बाहर छोड़े हैं, घर में से निकल बोले थोड़ा सा हवा हवा खा लेंगे, सारे दिन अंदर गर्मी में रहते हैं बच्चे। ये देखो घुस गया अभी से नीचे, बहुत ही कबूतरी बहुत सुंदर है दोस्तों। कबूतरी के बच्चे भी सारे पंख वंख सारे खुल दिए इसने कबूतरी ने, कुछ ही दिन में बड़े बड़े हो जाएंगे। तो फिर उनकी ट्रेनिंग चलेगी दोस्तों सबसे अलग। पहले ही बताया था मैंने, राजू बता रहा हूँ, मैंने ट्रेनिंग के लिए ही बच्चे रखवाने, गर्मी में बच्चे नहीं रखवा था, और इसकी काफ़ी ज़्यादा केयर की जा रही है क्योंकि गर्मी में बच्चे बचते नहीं, मर जाते हैं बच्चे दोस्तों, इसलिए काफ़ी ज़्यादा केयर हो रही है इसकी। आप देखिए बच्चे कितनी केयर हो रही है, तो देखो दौड़ कर आएगी इसके बच्चे साथ लगा देखो। ये देखो दोस्तों बच्चे आएगी काट कर दे, जैसे इंसान के बच्चे होते हैं ऐसे इंसान करते हैं, ऐसे अपना कबूतरी कर रहे अपने बच्चे साथ में, और चैंट आ गया तो ऐसे ही मार दी चैंट आई।
बहुत तेज काटते हैं दोस्तों छेंटा, जो है छोटे छोटे छेंटे जो होते हैं बहुत तेज काटते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने बच्चों को ऐसे बाहर निकाल कर थोड़ी हवा खिलाया करो, गर्मी में बड़े बड़े बच्चे ख़राब हो जाते हैं, फोड़ा फुंसी निकल जाते हैं, गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। अगर मैं तो इन्हें पंखे की हवा में रखता हूँ दोनों बच्चों को और कबूतरी को अपना, अभी तक तो कोई बीमारी लगी नहीं है, बच्चे अभी तक तो ठीक हैं, गर्मी पड़ने ज़्यादा। अब थोड़ा मौसम भी ठंडा हो गया बारिश का था, तो बारिश का था मौसम हो गया तो मैंने बच्चे आया, ये देखो ये कैसे कर दिए हाथ लगाता हूँ बच्चे, देखो मारी ना मारे दोस्तों, देख सकते हो कितनी बिगड़ेल कबूतरी है, देखो अंडा रखो तो अंडे से कैसे करेगी, देख रहे हो दोस्तों अंडा अपनी समझ रही है कि मेरे मैंने दिया देखा अंडा ना, मैंने कबूतरी ने दिया देखा अंडा, देखो दोस्तों अंडा ख़राब हो चुका है दोस्तों क्योंकि बाहर रह गया था, दूसरी वाली कबूतरी ने दिया था, ब्लैक वाली कबूतरी ने मैंने बताया था, जो मैंने अपना जिसकी गर्दन टेढ़ी उस कबूतर से लगा दिए उसमें दिया था दोस्तों, तो उसी का अंडा दूसरे के अंडे को सेकने की कोशिश करती है कबूतरी। तो हमारा सिस्टम तो दोस्तों ये है, बाकी आप भी अपने कबूतरों का से बाहर निकाल के घुमा सकते हो, बच्चे मैंने आपको दिखाई दिए, देखो खूबसूरत कबूतरी चोटी है उसके सर पे, मद्रासी कबूतरी दोस्तों ब्लैक आँख है, ये देखो ये आ गया इसका इसका हस्बैंड कबूतरी का, तो सारा कुछ दोस्तों अपना ऐसे ही दिखाते रहते हैं हम, देखो भाई घर में भैया घर में दिखाई क्या क्या नहीं, देखो घर में खा खाली पड़ा तो बच्चों को देख रही है, अभी घर को साफ़ करता हूँ थोड़ा, घर में बीट वगैरह हो गया दोस्तों तो रोज़ का घर अपना साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि गंदगी नहीं रहेगी तो बच्चों को कुछ होगा नहीं, और गंदगी नहीं तो बच्चे बच्चे गंदगी से मर जाएंगे दोस्तों। तो घर भी पड़ते घर में फोड़े फुंसी ना लगते, इसलिए ज़्यादा ज़्यादा बच्चों की साफ़ सफाई रखें घर में जहाँ ये रहते हैं, और साफ़ सफाई करोगे तो बच्चे एकदम हृष्ट पुष्ट रहेंगे, और गंदगी रही घर में तो बच्चे मर भी सकते हैं और नहीं भी मर सकते दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक किया करो या शेयर किया करो, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो बनाता रहूं दोस्तों। लाइक करने के ना पैसे लगते हैं, सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं, अरे भैया कैसे कर रहा भाई दोस्त, ये बड़ा थोड़ा कमज़ोर है ना छोटा है, ये सबसे लेट फूटा था अंडे में से, और ये थोड़ा जल्दी निकल गया तो मुझसे भी खाना मांग रहा, मैं दोस्तों इतने बड़े बच्चे को भी ट्रेनिंग दे दूँगा, इतना बड़ा ये बच्चा है, पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा इसमें खर्च करना पड़ेगा, इतने बड़े बच्चे को मैं जिंदा अपना बड़ा तक रह लेगा दोस्तों, और जल्दी बहुत जल्दी बड़ा होगा मैं इसे ट्रेन करूँगा तो, पर ये दोस्तों अब इसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इसमें, जहाँ ये होगा 2 महीने में ट्रेन, वहाँ फिर इसे कम से कम 6 महीने लगेंगे ट्रेंड करने, क्योंकि 1.5-2 महीने तक खुद ही पढ़ाई होगा जा करके, तो इसलिए थोड़े बड़े हो जाने पर ही इसकी ट्रेनिंग चलेगी। लो इसके माँ को घर में से निकालता हूँ, चंद्री चंद्री बैठी लिखा निकल गए, हाँ चल हाँ आ गई थोड़ी गंदगी सी हो रही है, बच्चे देख ले बच्चे आराम से वहाँ पा घर में जाके बैठे हुए वहाँ ना छोड़ो फिर बच्चों को, दोस्तों देख सकते हो आप पूछ रही तुम बाहर आए कैसे, देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आप भी ऐसे कबूतरों की अपनी वीडियो बनाकर जानकारी दे सकते हो और जानकारी ले सकते हो, बच्चों को क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना क्या कैसे क्या करना सारी बातें हमारी तरह आप भी बता सकते हो, क्या क्या खिलाया था, हम तो अपने कबूतरों के बारे में सदैव मद्रासी कबूतर मद्रास से लाए थे हम इसे, इसका जोड़ा लाए थे दोस्तों, तो जोड़ा जो था वो तो अपना उड़ रहा था वो आसमान में, तो कोई मार कर लगी तो हमारा जोड़ा बिगड़ा, फिर से दोस्तों ब्लैक कबूतर से लगाना पड़ा, चितकबड़ा कबूतर एक हमारे पास ब्लैक जैसे चिलकपरा बोलते हैं उससे लगाना पड़ा, कबूतर पर जाकर इसने अंडे दिए, मैंने कि इसकी थोड़ी 2-3 नस्ल निकलवा दूँ 4 से थोड़ा ठीक रहेगा, नस्ल निकल जाएंगे दोस्तों, नस्ल निकल जाएंगे तो जकड़ के फिर हम पे काफ़ी सारे कबूतर हो जाएंगे, और यही भग गए तो फिर दोबारा कबूतर सहज नहीं मिलते, महंगे कबूतर मिलते हैं दोस्तों ये, तो इसलिए थोड़ा सिस्टम ऐसा ही है कबूतरों का। अरे भाई ऐसा मत करें, तो दोस्तों
वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और भी लाता रहूँ। लाइक करने के ना पैसे लगते हैं, सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।